सिंह क्रिएशन एजुकेशन चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी सिंह क्रिएशन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आप कोई भी आने वाली अपडेट कभी भी मिस ना करें। एजुकेशनल हो या इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल फैक्ट हो या मोटिवेशनल स्टोरी हो या आपकी कोई भी प्रो टिप हो, आपको सभी इस चैनल पर मिलेगा और नोट्स भी आपको हर क्लास के 9th to 12th इसी चैनल पर मिलेंगे। तो अपने नोट्स के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी आप सभी का अपने चैनल सिंह क्रिएशन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी अ वीक सब्जेक्ट। गाइस, हम सभी जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक ज़रूर हैं। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर है जो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है पढ़ने में। आइदर इट वुड बी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जिसमें आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, या फिर एक सब्जेक्ट हो थ्योरी का। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरी देखनी चाहिए ताकि आप जो है आने वाले समय में इस पर रिग्रेट ना करें कि यार मैंने इस वीक सब्जेक्ट को थोड़ा और पढ़ा होता तो शायद आज मैं यहाँ से यहाँ होता। गाइस, ऐसा बहुत बार होता है कि किसी किसी को कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट जो होते हैं वो समझ नहीं आते हैं, और कईयों के साथ ये भी होता है कि उन्हें थ्योरी सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं। सो गाइस, इस सब के रिलेटेड आपको आपके सारे आंसर्स इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको इस वीडियो से अपना कोई भी आंसर मिलता है वीक सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए हमारी इस वीडियो को। गाइस, आज हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ जो ये आज दिक्कत हो रही है कि वो वीक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं। तो अभी की अभी यूट्यूब पर हमारे चैनल सिंह क्रिएशन एजुकेशन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और एक रेड कलर का नीचे बटन होगा उस पर आप ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको एजुकेशनल रिलेटेड सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको यहाँ पर हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि एजुकेशनल, मोटिवेशनल या फिर स्टडी स्मार्ट स्किल्स। ओके, सो गाइस, आइए चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो सिंह क्रिएशन एजुकेशन चैनल है उसकी आज की वीडियो हमें किस तरह से एक मोटिवेशन देती है और किस तरह से हमें प्रो टिप देती है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ कि आप कैसे अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बट मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप किस तरह जान पाएं कि एक वीक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है कि वो हमारा सबसे ज़्यादा, जो हमारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए। गाइस, सबका कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, बट इसकी हम जड़ तक जाना चाहते हैं कि हमारा अगर ये सब्जेक्ट वीक है तो ये वीक आखिर है क्यों, ऐसा है ही क्यों, क्यों हम इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या इसमें हमें इससे दिक्कत हो रही है। हमारी लाइफ में सबसे बेकार वर्ड है सेटिस्फाइड। गाइस, अगर स्टडी से रिलेटेड, अगर आप अपने किसी भी वर्क से सेटिस्फाइड है कि आप ये काम, ठीक है मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, नहीं यार ये मुझसे होएगा नहीं, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, वो होता है सेटिस्फैक्शन। उस पॉइंट पर आप अगर सेटिस्फाई हो गए आई कांट डू इट, तो बस आप वहीं हार गए, वो सब्जेक्ट आपका वीक हो गया। आपको बस ये समझते रहना है कि आप वीक नहीं पढ़ सकते। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले क्या होता था, आप पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था आप बुक्स वगैरह से पढ़ते थे, ठीक है, रिसोर्सेज इतने नहीं होते थे तो आप बुक्स में ही मोटिवेशनल लाइन वगैरह ढूंढकर उसको अंडरलाइन करते थे और देखते थे ये क्या है और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। बट फेसबुक और यूट्यूब, ये सब तरीके काफ़ी गलत होते हैं आज के, उसमें होते बहुत सही हैं बट आप इसको समझ नहीं पाते हैं, इसके रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं कि मुझसे मैथ्स नहीं होता, ठीक है, मैंने मान लिया आपसे मैथ्स नहीं होता, बट एक बात बताइए, आप जब पहले के जो लोग थे वो इतना अच्छा क्यों पढ़ते थे, क्योंकि वो मिसयूज़ नहीं करते थे, उनके पास जो रिसोर्सेज होते थे, उनके पास उस समय रिसोर्सेज होते थे बुक्स, तो वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। आपके पास है इंटरनेट जिसका आप इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा इस तरह के 5.9 जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इसको प्लस करिए, वहाँ पर तो आप नहीं हारते तो यहाँ पर क्यों, यानी कि माइंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो आपकी सोच में, आप 5+9 फेसबुक पे ज़रूर कर देते हैं। सो एक टिप है मेरी कि आप 1 आवर पर डे अपने वीक सब्जेक्ट को ज़रूर दें, तक चाहे उसमें वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 आवर पर डे आप देंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आपको ऐसे 1 आवर तो ज़रूर देना है ताकि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर सकें। गाइस, कभी भी ऊपर ऊपर से कोई सब्जेक्ट मत पढ़ना, उस सब्जेक्ट की जड़ तक जाने की कोशिश करना। कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर इट वुड बी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई प्रिपरेशन हो या फिर बोर्ड्स के लिए या क्लास 9th-10th की, ठीक है, तो आप उसमें ये देखिए कि आप कभी भी किस तरह से अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से या फिर उसके कंसेप्ट को समझकर।
गाइस दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है टॉपर एक होता है फेलियर। फेलियर और टॉपर दोनों ही एक ही क्लास में बैठते हैं, दोनों को ये समझ में जरूर आता है कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है, मगर टॉपर टॉपर इसलिए होता है कि वो रिग्रेट नहीं करता कभी लाइफ में, और फेलियर फेलियर इसलिए होता है कि वो रिग्रेट सबसे ज्यादा करता है, वो बहाने ढूंढता है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, स्कूल वालों ने इतना प्रेशर दिया हुआ है, कैसे होगा मुझसे ये सब। तो टॉपर जो है हमेशा सोचता है मैंने इतना बढ़िया किया है आगे मैं और अच्छा करूंगा, और फेलियर की यही सोचते कि मुझसे नहीं होगा। गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा, आपको ये लगता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं आज के टाइम पे, तो आप वीक सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहते, जो कि बिल्कुल गलत है। और आप बिल्कुल, आप देखो इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप स्ट्रांग सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसमें आप कह देते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ठीक है। सो यही मेरा टिप है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, वीक सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए उसे मन से पढ़िए, उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, ताकि आप जो है उस चैप्टर की जड़ तक जा सके, उस सब्जेक्ट की जड़ तक जा सके। सो गाइस यही थी मेरी प्रो टिप कि उसको मन लगाकर पढ़िए, और अगर आप किसी भी इस वीडियो से आपको लगता है किसी की भी हेल्प होगी तो उसके साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का नाम है सिंक क्रिएशन एजुकेशन, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।